Hello friends, welcome to my channel Biotech New Zone. In this video we are talking about how to make 1XT AE buffer solution of 500 ml from 50x stock solution. When hum ek 1XT AE buffer 500 ml kaise banayenge 50x stock solution se. So isko aise samajhte hain. Pehle se hamare paas jo hai 50x स्टॉक सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है. इसमें से हम कितना अमाउंट लेंगे जिससे हमें 1XTAE बफर रिपेयर हो जाए ऑफ 500 ml. सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो. अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स ये है कि हम 50X TA सॉल्यूशन में से कितना अमाउंट इसमें ऐड करेंगे कि ये हमारे पास 1XTAE बफर बन जाए 500 ml का. सो फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो है C1 E1 = C2 V2. ये सिंपली क्या होता है हमारे पास फार्मूला है. इस फॉर्मूले हम देखते हैं वैल्यू कौन कौन सी है. C1 हमारे पास है 1x बफर सॉल्यूशन ऑफ 5. हमें V1 क्या है, यहाँ पे V1 हमारे पास जो है 500 एंड C2 हमारे पास अननोन है जो हमें कैलकुलेट करना है ये वॉल्यूम एंड V2 हमारे पास कितना है 50x. 50x क्या ये स्टॉक सॉल्यूशन जो हमें पहले दिया हुआ. अब यहाँ से नॉर्मली हम C2 कैलकुलेट करते हैं. C2 कैलकुलेट करने के लिए C1 V1 / V2 नॉर्मली C2 हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुट करते हैं. C1 = क्या 1 × V1 500 / V2 V2 50 x. देन इसको हमने कट किया 10. हमारे पास C2 की वैल्यू कितनी आ गई 10. देन जो हमारे पास 10 ml C2 की वैल्यू 10 आई है, इसका मीनिंग क्या है. अब इसका मीनिंग समझते हैं. मीन्स हमें क्या करना है, हमारे पास पहले से प्रिपेयर 50x सॉल्यूशन है. इसमें से हमें 10 ml हमारे पास पहले से 50x प्रिपेयर है. इसमें से हम 10 ml एक करेंगे. इसमें से हम 10 ml लेंगे जिससे हम दूसरे फ्लास्क या बीकर में ऐड कर देंगे. 10 ml हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद हमने इसको कितना 500 ml स्टॉक बनाना है. 500 ml देन यहाँ पे नॉर्मली क्या करेंगे 490 ml डिस्टिल वाटर इसमें ऐड कर दिया. हमने इसमें क्या किया, डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया. कितना 490 ml एंड 10 ml हमारे पास क्या था 50x स्टॉक सॉल्यूशन. टोटल कितना हो गया 500 ml वॉल्यूम. यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया. ये हमारे पास क्या है 50x TA बफर. सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास प्रिपेयर हुआ है, सो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास प्रिपेयर हो गया, ये हमारे पास 500 ml 1XTA बफर सॉल्यूशन है जिसे हम फर्दर यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, जिसमें जेल को हम रन करते हैं, जिसमें DNA. सो फ्रेंड्स, इस 1XTA बफर को हम फर्दर इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज कर सकते हैं. तो आशा करते हैं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी और ऐसी कैलकुलेशन पाने आशा करते हैं ये आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा. ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.